आप जी, आपने जीतू के पैसे क्यों दिए दुकान पे? मुझे लगा आप घर पे पैसे भूल आई होंगी, पैसे वापस जाएंगी, रोजे में इतनी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने दे दिए। आपको बुरा लगा? मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये आपकी चीजें रख नहीं सकती। आप इस दुकान पे मेरे साथ वापस चले ताकि वो आपके पैसे लौटा दे। अरे बहन, कुछ नहीं होता, रख लो। लेकिन आप मुझे जानती हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ, इस तरह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। प्लीज आप ये चीजें वापस रखें। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। सॉरी, आप एक काम करते हैं, मैं अपना पता लिख के आपको दे रही हूँ, इसे कर्ज समझ के रखें, जब भी मुनासिब लगे पैसे लुटा दीजिएगा। अब कुछ आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कर रही, उसकी जात करवाती है, हम सिर्फ वसीला हैं। थैंक यू, मैं जल्द लौट आ दूंगी। माजद भाई साहब, वो नमाज पढ़ी थी इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। कोई बात नहीं, रेंट दे दीजिए, मुझे देर हो गई। इसमें तो 3,000 कम है जी। वो आपको तो पता ही है कि रमजान में अखराजात ज्यादा होते हैं, तो मैं अगले महीने दे दूंगी। देखिए, मैं यहाँ आपके अखराजात की तफसील जानने के लिए नहीं आया हूँ। ईद हो चांद रात हो, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे रेंट पूरा चाहिए। इस दफा माजरत, अगले महीने दे दूंगी मैं आपको। ये मैंने बिल भी जमा करा दिया। बिल जमा करा कर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे रेंट पूरा चाहिए। देखिए भाई साहब, इससे पहले मैंने कभी भी रेंट आपको कम नहीं दिया और कभी भी देर नहीं की रेंट देने में। इस दफा एक खातून मुसीबत में थी, मैंने उनकी मदद कर दी, तो ऐसे कम हो मैं दे दूंगी अगले महीने। दूसरों की मदद, अपनी जरूरतें आपसे पूरी हो नहीं रही, दो कमरों का किराया नहीं निकल रहा आपसे, दूसरों की मदद क्या करेंगे आप? देखिए, रेंट मुझे पूरा चाहिए, ईद तक का टाइम दे रहा हूँ आप, और पूरे पैसे दीजिएगा मुझे, ये रख लें। नहीं, लेकिन मैं ईद से पहले आऊंगा, और अगर आपने पूरा किराया नहीं दिया तो मैं आपका एडवांस आपको वापस कर दूंगा। भाई साहब सुने तो सही, मैं भाई साहब। Thank you.